कैप्टन बाबर ने गेट के पास पहुंचकर अंदर जंकातों से बरामदे से राहदारी में एक शख्स मुड़ता हुआ दिखाई दिया। कैप्टन बाबर उसकी तरफ पुश्ती देख सका था। उसके अलावा कंपाउंड में कोई जीरो नजर ना आ रहा था, जबकि बरामदे के आगे नीले रंग की एक कार खड़ी थी। कैप्टन बाबर ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और दबे पांव कंपाउंड में दाखिल हो गया। कार के करीब आकर उसने कार की नंबर प्लेट देखी और नंबर जैन नशीन करके बरामदे में दाखिल हो गया। अब उसका रुख राहदारी की तरफ था और उसके हाथ में मौजूद साइलेंसर लगा रिवॉल्वर किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार था। कैप्टन बाबर राहदारी में पहुंचा ही था कि अंदर से उभरती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने राहदारी में झांका, मगर तवील राहदारी में कोई न था, जबकि दूसरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और आवाजें उसी कमरे से आ रही थीं। कैप्टन बाबर कदमों की चाप पैदा किए बगैर राहदारी में दाखिल होकर उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए अंदर झांका तो कमरे में सोफों पर दो आदमी सामने और एक बाएं जानेब बैठा दिखाई दिया। उनके हाथों में शराब के गिलास थे और खाली बोतल मेज पर पड़ी थी। दूसरे ही लम्हे कैप्टन बाबर ने यकदम कमरे में दाखिल होकर उन पर रिवॉल्वर तान लिया। हैंड्स अप, कैप्टन बाबर ने कहा तो इन तीनों ने कैप्टन बाबर की तरफ देखा और बेख्तियार उछल पड़े। खबरदार, किसी ने भी हरकत की तो खोपड़ी में रोशनदान खुल जाएगा, कैप्टन बाबर ने उन्हें वार्निंग देते हुए कहा। ओह, तुम कौन हो, एक आदमी ने घुसीले लहजे में कहा। पहले अपने हाथ बुलंद करके खड़े हो जाओ, किसी ने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की तो मारा जाएगा, कैप्टन बाबर ने कुराते हुए कहा तो इन तीनों ने गिलास मेज पर रखते हुए हाथ बुलंद कर लिए और खड़े हो गए। कैप्टन बाबर इस दौरान दो कदम आगे बढ़ आया था। क्या तुम इमरान के साथी हो, एक आदमी ने पूछा। डेविड, ये सीक्रेट सर्विस का मेंबर है, आम आदमी इस तरह कमरे में नहीं आ सकता, दूसरे आदमी ने अपने साथी से कहा और उसके दोनों साथी चौंक कर गौर से कैप्टन बाबर की तरफ देखने लगे। इमरान कहाँ है, कैप्टन बाबर ने डेविड नामी शख्स से तहखाना लहजे में पूछा। ओह, तो क्या तुम इमरान की तलाश में आए हो, डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, जल्दी बताओ, कैप्टन बाबर ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। फोर्ड, यकीनन ये हमारा ताकुब करता हुआ यहाँ पहुंचा होगा, डेविड ने फोर्ड से मुखातिब होकर कहा। पहुंच गया है तो अब उसे भी इमरान के पास पहुंचा देना चाहिए, फोर्ड ने कैप्टन बाबर को घूरते हुए कहा। शट अप, जल्दी बताओ इमरान कहाँ है, वरना मैं फायर खोल दूंगा, कैप्टन बाबर ने घुराते हुए कहा। इमरान हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया है, डेविड ने मुंह बनाते हुए कहा। और तुम्हें भी अब उसके पीछे जाना है, फोर्ड ने कैप्टन बाबर को घूरते हुए जल्दी से कहा। बको मत, तुम इमरान को नहीं मार सकते, उसे मारने के लिए पूरी फौज चाहिए, कैप्टन बाबर ने एतमाद भरे लहजे में कहा। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा, तुम जाओ और उसे इमरान की लाश दिखाओ, एक ऐसे शख्स की लाश जिसके हाथ बंधे हुए हों, दसवीं मंजिल की छत से नीचे गिरकर इमरान का जिस्म पारा पारा हो चुका होगा, डेविड ने बाईं जानिब खड़े अपने साथी से कहा। आओ मिस्टर, तुम्हें इमरान की लाश दिखाऊं या तुम खुद ही उस इमारत के अकब में जाकर देख लो, तीसरे शख्स ने कहा जिसका नाम पाल था। इन तीनों की बातें सुनकर कैप्टन बाबर के जहन में धमाके होने लगे। उसने महसूस किया कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे, उनका इत्मीनान और बेफिक्री से शराब पीना जाहिर करता है कि उन्हें इमरान की तरफ से कोई खतरा नहीं है। यकीनन उन्होंने इमरान को इमारत की छत से गिराकर खत्म कर दिया होगा। जाहिर है 100 फुट की बुलंदी से गिराया जाने वाला शख्स जिसके हाथ बंधे हुए हों, जमीन से टकराकर किस तरह बच सकता है। इमरान की मौत का सुनकर कैप्टन बाबर के दिल पर निश्चर चलने लगे। तुम तीनों हाथ नीचे किए बगैर मेरे आगे आगे बाहर चलो, कैप्टन बाबर ने डेविड को कूदते हुए कहा। ओके चलो, हमें कोई इतराज नहीं है, फोर्ड ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसी लम्हे पाल ने कैप्टन बाबर को डेविड और फोर्ड की तरफ मुतवज्जे पाकर उस पर छलांग लगा दी। कैप्टन बाबर के हाथ से रिवॉल्वर गिर गया और वो लड़खड़ाता हुआ दो कदम पीछे हटा, मगर दूसरे ही लम्हे उसने उछलकर पाल के सीने में फ्लाइंग किक रसीद की और वो कराता हुआ सीने पर हाथ रखे पीछे हटता चला गया। डेविड और फोर्ड ने फौरन ही अपनी जगह से हरकत की और कैप्टन बाबर पर हमला कर दिया। कैप्टन बाबर लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा, लेकिन फौरन ही उसने खुद को संभाला और फोर्ड की दोनों टांगें पकड़कर खींच दी और वो धड़ाम से फर्श पर पुश्त के बल गिरा। और कैप्टन बाबर ने फुर्ती से उठते हुए डेविड का घोंसा अपने बाजू पर रोका, फिर उसने दूसरा हाथ उसकी कलाई पर जमाया और यकदम मोड़ते हुए उसकी पुश्त से लगा दिया, जबकि उसी की दूसरी कलाई भी कैप्टन के हाथ में बेबस थी। मगर उसी लम्हे पॉल ने संभल कर अकब से कैप्टन बाबर पर हमला कर दिया। कैप्टन बाबर ने डेविड की कलाइयां छोड़ते हुए यकदम दोनों कोनियां अकब में उछाली जो पॉल के पेट में लगी, जिसने कैप्टन बाबर की अकब से गर्दन अपने हाथों में जकड़ ली थी और वो कराता हुआ पीछे हटा और कैप्टन बाबर ने पलटकर उसके जबड़े पर घोंसा रसीद कर दिया।
डेविड ने कलाइयां आजाद होने पर पलटकर कैप्टन बाबर की कमर के गिर्द बाजू लपेटकर उसे झटके से बाएं जानिब फेंकने की कोशिश की, मगर कैप्टन बाबर ने पाल को कौन सा रसीद करने के बाद यकदम खुद को घुमाया और डेविड की नाक पर टक्कर रसीद कर दी। डेविड बुलबुलाता हुआ पीछे हटता चला गया और फोर्ड ने कैप्टन बाबर पर छलांग लगा दी। कैप्टन बाबर ने फौरन ही उसे हाथों पर संभाला और उसके जबड़े पर इस जोर से मुक्का मारा कि वो कराता हुआ डेविड से जा टकराया और दोनों फर्श पर आ गिरे। पॉल ने तेजी से आगे बढ़कर कैप्टन बाबर के चेहरे पर फ्लाइंग किक मारी, लेकिन कैप्टन बाबर ने झुकाई देकर अपना चेहरा बचाया और उसकी टांग दोनों हाथों से पकड़कर खींची। पॉल फर्श पर झुक गया और कैप्टन बाबर ने एक हाथ से उसकी टांग से हटाकर उसकी पिंडली पर खड़ी हथेली का वार कर दिया। कराटे के वार ने पॉल की पिंडली की हड्डी तोड़ दी थी और उसके हल्क से कर्बनाक चीख निकली और वो फर्श पर गिरकर दर्द की शिद्दत से कराहने लगा। उसका हशर देखकर फर्श से उठते हुए डेविड ने तेजी से अपनी जेब से में हाथ डालकर रिवाल्वर निकालना ही था कि कैप्टन बाबर ने उछलकर उसके हाथ पर ठोकर मारी और डेविड के हाथ से रिवाल्वर निकलकर दरवाजे में जा गिरा। फोर्ड भी इस दौरान उठ चुका था, उसने फौरन कैप्टन बाबर पर छलांग लगा दी, मगर कैप्टन बाबर उसकी तरफ से गाफिल नहीं था। उसने फुर्ती से अपनी जगह छोड़ी और फोर्ड अपने ही जोर में मुंह के बल फर्श पर गिरता चला गया। कैप्टन बाबर को उसकी तरफ मुतवज्जे पाकर डेविड ने तेजी से रिवाल्वर की तरफ जस्ट लगाई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके मुंह पर ठोकर पड़ी और वो कराता हुआ पीछे आ गिरा। फोर्ड और पाल ने बयाक वक्त दरवाजे की तरफ देखा और हैरत और खौफ की शिदत से उसकी आंखें धुंधलाने लगीं। कैप्टन बाबर ने भी पलट कर देखा और उसके हल्क से बेख्तियार इत्मीनान का गहरा सांस निकला। दरवाजे में इमरान खड़ा उनकी तरफ देख रहा था। एक दो लम्हों के लिए कमरे में गहरा सकूत छा गया, फिर इमरान ने झुककर अपने आगे फर्श पर पड़े रिवाल्वर उठाया और डेविड पर तान लिया। कैप्टन बाबर ने भी तेजी से आगे बढ़कर अपना रिवाल्वर उठाया और फोर्ड पर तान लिया। तुम कैसे बच गए? फोर्ड ने डेविड ने फर्श से उठते हुए खौफजदा लहजे में इमरान से पूछा। आसमान से गिरने वाला खजूर में अटक ही जाता है, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। इमरान साहब, क्या इन्होंने वाकई आपको छत से नीचे फेंका था? कैप्टन बाबर ने एक नज़र इमरान के लिबास की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर जा बजा सफेद चूने और रगड़ के निशानात थे। क्या तुमने देखा था मुझे? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही लोग बता रहे थे कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए इस दुनिया से रुख्सत कर दिया है, कैप्टन बाबर ने कहा और ठीक उसी लम्हे इमरान के रिवाल्वर ने शोला उगला और फोर्ड के शाने में सुराख हो गया। उसने चीखते हुए अपना बाजू पकड़ लिया। इमरान और कैप्टन बाबर को बातों में गाफिल पाकर उसने अपनी जेब में हाथ डालने की कोशिश की थी। कैप्टन, इसकी जेब से रिवाल्वर निकाल दो, इमरान ने यकदम संजीदा लहजे में कहा, तो डेविड और पाल खौफजदा निगाहों से इमरान की तरफ देखने लगे। कैप्टन बाबर ने आगे बढ़कर फोर्ड की जेब से रिवाल्वर निकाल दिया। हाथ बुलंद कर लो डेविड, वरना मैं रहम नहीं करूंगा, इमरान ने डेविड को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा और उसने फौरन ही हाथ उठा दिए। इमरान ने पाल की तरफ देखा, जिस पर नेम बेहोशी तारी थी। इसे क्या हुआ? इसका रिवाल्वर भी निकाल लो, इमरान ने कैप्टन से कहा। कराटे की जर्ब से इसकी टांग टूट गई है, कैप्टन बाबर ने पाल की तरफ बढ़ते हुए कहा और फिर उसने झुककर पाल की जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। इमरान ने उसे इशारा किया तो कैप्टन बाबर उसका मतलब समझकर डेविड के अकब में आ गया। दूसरे ही लम्हे उसने रिवाल्वर का दस्ता डेविड के सर पर रसीद कर दिया और वो कराता हुआ फर्श पर गिरा और उस पर बेहोशी तारी होती चली गई। फोर्ड के शाने से खून बह रहा था और वो खौफजदा निगाहों से इमरान की तरफ देखता हुआ खुश्क लबों पर जबान फेर रहा था। कैप्टन बाबर ने रिवाल्वर का दस्ता उसके सर पर मारा और वो लड़खड़ाकर फर्श पर आ गिरा और चंद लम्हों बाद उसके हाथ पांव ढीले पड़ते चले गए। अब जल्दी से शुरू हो जाओ, इमरान ने रिवाल्वर जेब में रखते हुए कैप्टन बाबर से कहा और इमरान की बात का मतलब समझकर कैप्टन बाबर तफसील से उसे अपनी आमद के बारे में बताने लगा। कर्नल हार्ड के ताकुब में तनवीर को भेजने का सुनकर इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया। उसने कैप्टन बाबर को हदायत की कि वो तीनों अफराद को उठाकर अपनी गाड़ी में डाले और वो खुद कमरे की तलाशी लेने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।